जिले में चर्चित घटना जिस प्रकार से हुई, और चर्चित यानी के पूर्व में एमएलसी प्रत्याशी रहे और रईस खान, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है, काफ़ी केसों में जेल भी का सफर भी तय कर चुके हैं, और वर्तमान में उनके ऊपर सिसवन थाना अध्यक्ष के द्वारा FIR किया गया, जिसमें वाल्मीकि यादव जो सिपाही थे, जो कि मुठभेड़ में कहीं ना कहीं गोलियों के शिकार हो गए। और ये कहीं ना कहीं घटना आत्मनिंदनीय है कि एक सिपाही का मौत हो जाना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है कि आपराधिक किस प्रकार से खुलियाम धमकी, खुलियाम गोलीबारी कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन चैन के निंद में सोई हुई है। घटना बीते 3 दिन हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ लगा कुछ नहीं। दूसरी तरफ अपराधी खुलियाम आकर के बाइट दे रहा है, खुलियाम आकर के बता रहा है, वीडियो जारी कर रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती पूर्ण है कि अपराधी खुलियाम वीडियो जारी कर रहा है, अपराधी खुलियाम इस चीज़ को बता रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। CCTV कैमरे की जाँच करनी चाहिए। सवाल ये है कि आखिर में वाल्मीकि यादव जो नौजवान व्यक्ति था, उसका परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके भाई बहन कौन लौटाएगा, जिसने अपने परिवार में एक लाडले को खो दिया, जिसने एक परिवार को खो दिया। और इस तरह की आपराधिक घटनाएं आम तौर पे ग्यासपुर के लिए कोई नई बात नहीं है। ग्यासपुर में आए दिन इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है, और ये पुलिस की साठ घाट भी कही जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब SP से सवाल पूछा गया कि नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारियों को रईस खान घूस देता है, कमीशन देता है, और पुलिस विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जब छापेमारी होती है तो पहले ही जानकारी दे देते हैं कि आपके यहाँ छापेमारी होने जाती है, तो कहीं ना कहीं रईस खान बच निकलता है और फरार होने में कामयाब हो जाता है। तो इस सवाल पे शिवान SP ने कहीं ना कहीं इस बात को भी माना और कहा कि इस पे भी जांच होगी, और जांच करने के बाद कहीं ना कहीं इस तरह के घटनाओं में जो संलिप्त लोग हैं उन पे कार्रवाई भी करने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। आइए सुनते हैं क्या SP साहब शिवान के कहते हैं। से पहले भी घटना जो सिवान में घटी थी, एक श्रीवास्तव जी को गोली लगी थी, उसमें उनका नाम आया था, उसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, उसमें भी कार्रवाई, अभी भी वांछित है, उस केस में भी वांछित है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उनके घर पर कई बार पहले भी रेड किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से वो पकड़ा। सर, ऐसी सूचना है कि यहाँ से लेकर जिला तक कुछ पुलिस विभाग के लोग उनसे साठ गांठ रखे हुए हैं, जो कि पुलिस कार्रवाई करने से उनको सूचना मिल जाती है। इसी घटना में उसकी भी जाँच की जा रही है।